संसार की सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ रसोई, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान देखते हैं अपने भक्त का रास्ता, वहां आपको जो दिख रही है वो है जगन्नाथ रसोई। वो सामने आपको दिख रही जगन्नाथ रसोई, विश्व की सबसे बड़ी रसोई। यहाँ पर लाखों लोग भोजन प्रतिदिन करते हैं और जगन्नाथ यात्रा के दौरान तो यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों लोग भोजन करते हैं। और जगन्नाथ यात्रा जो निकलती है वो यही मंदिर से सामने की ओर, अगर आप सीधा चले जाएंगे आप इस रास्ते की ओर, तो सामने ही गुडीचा मंदिर है, जगन्नाथ भगवान की मौसी का मंदिर। सीधे चले जाएं आप, और इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग है, आपको मोबाइल लेके नहीं जाना है और कोई खाने पीने का सामान भी नहीं ले जाएंगे आप। और आप अपना सामान जो नॉर्मल सामान है वो लेके जा सकते हैं, खाने पीने का सामान और मोबाइल छोड़ के आप कुछ भी अंदर ले जा सकते हैं। यहाँ पर विशेष चेकिंग होगी इसलिए मोबाइल आप किसी भी कीमत पर ना ले जाए। और यहाँ आप देख रहे हैं सामने ये जगन्नाथ मंदिर, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है इसलिए मैं बाहर से वीडियो बना रहा हूँ। और ये सामने देखिए आप गरुण स्तंभ, सामान्यतः सभी मंदिरों में ये गरुण स्तंभ होता है, ये देखिए आप गरुण स्तंभ। और सामने एक कुआ है, वहाँ कुआ के सामने पानी भरा हुआ है, उस पानी में आप पैर धो के इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। और ऊपर देखिए आप अष्टधातु का चक्र दिख रहा है, वो पूरे पूरी से आपको सब जगह से एक सा दिखाई देता है। और ऊपर ध्वजा दिख रही है, ये ध्वजा 4 से 5 बजे शाम को इसको फहराया जाता है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो शाम को 4 से 5 बजे के बीच में यहाँ पर आ जाएं और इस ध्वजा को किस तरीके से उल्टा होके चढ़ के इसको फहराया जाता है, वो अद्भुत दृश्य होता है, उसको भी देखें, बहुत ही सुंदर। इस मंदिर के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, आपको बहुत ज़्यादा समय चाहिए, अंदर ही प्रसाद वितरण होता है, आप प्रसाद भी खाएं। तो साथियों, और हर मंदिर की विशेषता है पूरे पुरी के आसपास। सामने देखिए आप शेरों की आकृति सी कुछ बनी होती है और उस टाइप की आकृति आपको हर मंदिर में दिखाई देगी। देखिए उस तरफ भी आप देखेंगे तो वहां पे भी दिखाई देगा। विष्णु ने बद्रीनाथ धाम में स्नान किया तो द्वारकापुरी में वस्त्र पहने और जगन्नाथपुरी में आकर भोजन किया और रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान ने स्वयं भोजन किया है, इसलिए यह कहावत चल पड़ी है कि जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। कई रहस्यों को अपने आप में समेटे जगन्नाथ मंदिर में आप सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं। मंदिर के 4 प्रवेश द्वारों में से आम व्यक्ति का प्रवेश केवल सिंह द्वार से होता है। जगत के नाथ जगन्नाथ के दर्शन आप सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक कर पाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप मंदिर के अंदर अपना जरूरी सामान साथ ले जा सकते हैं, बस खाने पीने का सामान आप साथ नहीं ले जा सकते। मंदिर के प्रवेश द्वार के बाजू में ही जूता और मोबाइल स्टैंड है, मोबाइल फोन मंदिर के अंदर वर्जित है, इसलिए आप इसको यहीं स्टैंड पर निःशुल्क रूप से जमा करते हैं। निःशुल्क जूता मोबाइल स्टैंड के बाजू में ही पुरुष और महिला मूत्रालय है, यहीं पर आपको प्रतिदिन की दान राशि को सूचना पटल पर दिखाया जाता है। पटल के पास ही जगन्नाथ मंदिर का कोष कार्यालय है जहां पर आप अपनी दान राशि जमा कर सकते हैं। 5 दिसंबर 2022 को मंदिर कोष में जमा सिल्वर, गोल्ड और दान राशि को सूचना पटल पर देख सकते हैं। मंदिर के अंदर है आनंद बाजार, जहाँ से आप भगवान जगन्नाथ का भोग प्रसाद, भात और दाल शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं। मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं यहीं से आप झंडा बदलते हुए देख सकते हैं। मंदिर के बाहर और अंदर आपको पंडा और पुजारी दिखाई देंगे। अगर आप इनकी सेवाएं नहीं लेना चाहते तो आप इनकी बातों का कोई भी जवाब ना दें, आप मंदिर में दर्शन करने हेतु आगे बढ़ते चलें, इनके पास खड़े ना हों। मंदिर के अंदर सशुल्क मिठाई और तुलसी पत्र का प्रसाद मिलता है, आप उसे जरूर घर लेकर आएं। सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एकादशी के दिन चावल वर्जित हैं, लेकिन जो एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लेता है उसके लिए चावल वर्जित नहीं होते। मंदिर के अंदर ही एकादशी माता का मंदिर है, भगवान विष्णु का प्रिय भोजन है चावल। जब एकादशी माता ने उन्हें चावल खाने से रोका तो एकादशी को भगवान विष्णु ने उल्टा लटका दिया। मंदिर के पीछे के भाग में आपको एकादशी माता
उल्टी लटकी हुई नजर आएंगी। मंदिर के अंदर आपको भगवान विष्णु, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के विग्रह नजर आएंगे, जो कास्ट यानी लकड़ी के बने हुए हैं। इन तीनों ही मूर्तियों के हाथ और पैर नहीं हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर से आपको कई श्रद्धालु लौटते हुए नजर आएंगे। मंदिर में निसक्त और बीमार श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्हीलचेयर की व्यवस्था रखी गई है। मंदिर में जाने के लिए चार प्रवेश द्वार हैं, लेकिन आम लोगों के लिए प्रवेश केवल सिंह द्वार से ही है। मंदिर में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है। आप मंदिर के विशेष अनुष्ठानों में भाग लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शुल्क जमा कराना होगा। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है जगन्नाथ धाम। यह क्षेत्र शंख क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यह दक्षिणवर्ती शंख की आकृति का क्षेत्र है। साथियों, जगन्नाथ मंदिर और इसके आसपास के स्थानों को देखने के लिए आपको 3 से 4 दिनों की आवश्यकता होगी। चंद्रभागा समुद्र तट, सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर, खांडेगिरी उदयगिरी, धौलागिरी बौद्ध स्तूप, नंदन कानन, चिड़ियाघर भुवनेश्वर, इन सब की यात्रा आप बस से करते हैं। इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देखें। पूरी यात्रा से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।